बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। के पी यूट्यूब चैनल पर मैं सईद मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अपने प्रोग्राम मुलाकात के सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन सिंगर जनाब मुन्ना जेलमी साहब से। मुन्ना जेलमी काफ़ी अरसा से ड्रामा फिल्म फीचर फिल्म में बहुत ज़्यादा मसरूफ नज़र आ रहे हैं, तो आज अपनी इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि मुन्ना जेलमी के तजर्बे से हम ये भी जान सकें कि इस वक्त जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जवाल और जबूं हाली का शिकार है, उसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं मुन्ना जेलमी साहब से। जी मुन्ना जेलमी साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम मौल साहब, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। मुन्ना भाई, आप नाजरीन को बताएंगे कि आपने ड्रामा फिल्म में कब कदम रखा और आपका पहला प्ले कौन सा था? जी मोल साहब, मेरा पहला ड्रामा था जो वो आपके साथ था, आप उसके राइटर और डायरेक्टर थे, उसका नाम था पकेड़ा। और फर्स्ट टाइम आपने मुझे बहुत बड़ा चांस दिया इस ड्रामे में, यानी कि सेकंड हीरो का करेक्टर मैंने किया और आपने करवाया और लोगों ने मेरा करेक्टर बहुत पसंद किया और एक सॉन्ग भी आपने मुझ पर पिक्चराइज किया और ये फिल्म जिसने भी देखी बहुत पसंद की। और इस फिल्म के बाद फिर चल सो चल थी और मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने मुझे कास्ट करना शुरू कर दिया और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 या 200 से ज़्यादा टेलीफिल्म्स में मैंने काम किया है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी तमाम टेलीफिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है। जी तो मुन्ना जेलमी साहब, इस वक्त तक आप कौन कौन सी फीचर फिल्म ड्रामों में काम कर चुके हैं और किन किन लोगों के साथ आपने काम किया? जी जी सईद मोल साहब, मैंने 5 से 7 सिनेमा फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जो सिनेमा फिल्म में कदम रखा है वो पाकिस्तान के लेजेंड डायरेक्टरों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। उनमें हसन अस्करी साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी डायरेक्शन में मैंने दास्तान फिल्म में काम किया है, बहुत अच्छा करेक्टर था मेरा, कॉमेडी करेक्टर। उसके अलावा सलीम मुराद साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर और डायरेक्टर हैं, 350 फिल्मों के वो राइटर हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनकी 2 फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, एक फिल्म का नाम है प्यार की FIR और दूसरी फिल्म का नाम है टू मच, जिसके हीरो हैं अरबाज खान साहब। उसके अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम है ज़हीर यासीन साहब, उनकी मैं 2 फिल्मों में काम कर रहा हूँ, उसमें एक फिल्म का नाम है तूफान बदतमीजी और दूसरी फिल्म जो है उसका नाम है यारियां, और बहुत प्यारा मुझे मेरा करेक्टर है और बड़े अच्छे इंसान हैं ज़हीर साहब, तो उनकी फिल्मों में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। तो बताइएगा कि आप ड्रामा फील्ड या ये एक्टिंग का जो शोभा है इसमें हादसाती तौर पर आए या एक्टिंग में आपका कोई बाकायदा उस्ताद था, आपने किसी से एक्टिंग सीखी? जी मोहन साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ड्रामा फील्ड में हादसाती तौर पे आया हूँ और मेरी कुछ किस्मती है कि मेरी पहली टेली फिल्म आपके साथ है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ नाज़रीन को। और मेरे उस्ताद जो हैं इस फील्ड में कोई भी नहीं है, मेरे रूहानी उस्ताद हैं 2, सुल्तान राही साहब मरहूम और मुनव्वर ज़रीफ साहब मरहूम, ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं। मैंने जो कुछ भी एक्टिंग में सीखा है उनसे सीखा है और उसके अलावा वो कहते हैं कि किसी के इससे एक लफ्ज़ भी सीख लो तो वो उस्ताद होता है, तो वैसे तो आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और बड़े अच्छे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे 2 रूहानी उस्ताद हैं। जी तो मुन्ना जेलमी, हमारा खसूसन जिस खत्ते से तल्लक है, हमारे यहाँ भी पोठार में बहुत ज़्यादा फिल्में बनती थी, बहुत ज़्यादा हमारी पोठारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अचानक हादसाती तौर पे ही आप कह सकते हैं कि मिकी खड़ो इंग्लैंड एक ड्रामा आया जिससे यकदम इस इंडस्ट्री ने भी पर पुरजे निकाले और बहुत ज़्यादा काम हुआ इस हवाले से भी,
लेकिन अब ये काम का सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका है। तो आप नाजरीन को जरा बताएं, आप जाहिर है बहुत अरसे से आपने अरूज से जवाल तक का सारा टाइम पीरियड देखा है पोठोहारी इंडस्ट्री का, तो आपके ख्याल में पोठोहारी फिल्मों के जवाल की क्या वजह है? जी जी मुगल साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारी जो टेली फिल्म का जवाल शुरू हुआ मेरे ख्याल में वो ये है कि नॉन प्रोफेशनल लोगों का इन होना। नॉन प्रोफेशनल लोग जब इन हुए हैं हमारे पटवार में, तो उन्होंने वो बड़े बड़े कैमरे उठा लिए, ठीक है, वो मेलों की या गरबालों की फिल्में जो बनाते हैं, है जी, वो उनको उठाया, तो उन्हें ना पता था डायरेक्शन का, ना वो राइटर थे ना डायरेक्टर थे, तो वो इस फील्ड में आए, उन्होंने फिल्में बनाई। तो जब फिल्में रिलीज हुई तो ऑडियंस ने वो फिल्में लोगों ने देखी, जब तो लोग उकता गए कि ये क्या बन रहा है ये फिल्में। तो इन लोगों की वजह से हमारी पटवारी फिल्मों का बेड़ा गर्क हुआ है। और अगर आप जैसे डायरेक्टर या जिस तरह के नामवर डायरेक्टर हैं जो पटवार के ऊंची लेवल पे वो काम कर रहे थे अच्छे लेवल पे, वही रहते तो मेरा ख्याल है आज भी टेली फिल्म अरूज पे होती। तो ये इन लोगों की वजह से जो है फिल्म इंडस्ट्री को जवाल आया है। मुन्ना भाई, बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात करना पड़ती है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जबूं हाली का शिकार हो चुकी है, और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं खसूसन टेक्नीशियंस एक्टर, वो इस वक्त बेरोज़गार हो के मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता हैं और कुछ बिल्कुल बेकार हो के घरों में बैठे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी ड्रामा फील्ड जो है या फिल्म इंडस्ट्री है, इसकी जुबूं हाली की बुनियादी तौर पे क्या वजह थी? जी जी मोहन साहब, जो हमारी सिनेमा फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसका भी जो जवाल पजीर हुई है वो भी, तो उसकी भी यही वजूहत थी कि हमारे जो लेजेंड डायरेक्टर थे जब तक, तो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे रही, और उसके बाद जब नॉन प्रोफेशनल लोग फिल्म इंडस्ट्री में घुसे, ना तो उन्होंने प्रोड्यूसर की ये सुनी ना राइटर की सुनी, अपनी मर्जी की स्टोरियां में वो देते थे, तो वो फिल्में फ्लॉप से फ्लॉप होती गई और फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। और उसके बाद बदकिस्मती हमारी ये है कि सुल्तान राई साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जब वो दुनिया फानी से कूच कर गए, तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल जवाल का शिकार हो गई। मुन्ना जलमी साहब, आप नाजरीन को बताइएगा कि जो गुलकारी है, आप बहसीत गुलकार भी, आपको बहुत ज़्यादा आपके फैन हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको बहसीत गुलकार भी जानते हैं, तो आप नाजरीन को बताएं कि आपने बकायदा तौर पे इसकी कोई तालीम हासिल की, या आप इसमें भी हादसाती तौर पे आए, या शौकिया तौर पे ही गुलकारी करते हैं? जी जी मुगल साहब, जैसे कि एक्टिंग की फील्ड में मेरे कोई उस्ताद नहीं है, इसी तरह सिंगिंग की फील्ड में भी मेरे कोई उस्ताद नहीं है। मैंने रफ़ी साहब को सुन के, और सऊद राणा साहब को, मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को, खलील हैदर साहब को, इन लेजेंड सिंगर्स को सुनकर मुझे शौक पैदा हुआ, और आज मैं जो कुछ भी गा रहा हूँ उन्हें देख देख कर, उन्हें सुन सुन कर मुझे शौक पैदा हुआ और मैं गा रहा हूँ। और रफ़ी साहब तो क्या बात है, मैं आपको इजाज़त चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं दो मिसरे रफ़ी साहब के और दो सऊद राणा साहब के अपने नाज़रीन को सुना दूँ। जी ज़रूर मुन्ना भाई, क्यों? सोच के यार बनामी बंदिया, सोच के यार बनामी ओए, सोच के यार बनामी बंदिया, यार बना के फिर न सोची सूली ते चढ़ जामी ओए, सोच के यार बनामी बंदिया, सोच के यार बनामी ओए,
सोच के यार बनावी बंदिया। जी मोहल साहब, अब रफी साहब का मैं थोड़ा सा गाना गुनगुनाता हूँ। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई, आपने हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, ये थे मुन्ना जेलमी, जिनके साथ हमने आज इस मुलाकात का एहतमाम कर रखा था। मुझे यकीन है कि उनकी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस मुलाकात के सिलसिले में आयदा भी आपको किसी अच्छे फनकार से, गुलकार से, किसी भी शोबा में जो लोग नुमाया तौर पे काम कर रहे हैं उनसे इंटरव्यूज़ का ये सिलसिला जारी रखें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए सईद मुगल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।